हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज मैं बनाने वाली हूँ कैरी की सब्ज़ी। यहाँ पर कैरी मैं बाहर से कटवा के लेकर आई थी, मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है गर्मी में, तो यहाँ पर मैं बाकी सब्ज़ी खाकर बोर हो चुकी हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कैरी की सब्ज़ी बना ली जाए, तो मैं थोड़ा अलग स्टाइल से बनाने वाली हूँ आज। कैरी की लॉन्जी बोल सकते हैं इसे। तो मैं पिछली बार मैंने इसको डायरेक्ट बनाया था, आज मैं उबाल के बना रही हूँ, थोड़ा अलग स्टाइल है, तो ये बना के देखिएगा। एक कढ़ाई में मैंने कैरी डाल दी, धो के रख ली थी पहले से ही। दोबारा इसको डाल के, पानी डाल के, थोड़ा सा दाना मेथी इसमें डाल देंगे हम, और इसको हम उबाल देंगे, उबालने के लिए रख लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर दाना मेथी जो आप सब्जी में डालेंगे इस वाली में, पहले ही आपको इसके साथ में इसको बॉईल कर लेना है। अब हम इनको बॉईल करने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, और इनको ढक देना है आपको। ये देखिए, यहाँ पर हमारी कैरी और ये जो मेथी हमने उबाली है, आपको दिख रहा होगा कितनी जल्दी से फटाफट उबल रहे हैं ये। आप चम्मच से या चक्कू की सहायता से चेक कर लीजिएगा कि आपकी कैरी उबली या नहीं। ये देखिए, हमारी कैरी उबल चुकी है यहाँ पर, ये वाली। अब इसको हम एक चलनी में छान लेंगे, तो जो इसका पूरा पानी है वो छान लेंगे अच्छे से, कैरी को अच्छे से इनके साथ में छान लेंगे। देखिए, हमने छान लिया, ताकि मेथी और कैरी फटाफट थोड़ी सी ड्राई हो जाए। इसके बाद में हम इसका छौंकन तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर छौंक रहे हैं हम इसको। तो यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, इस पर मैंने डाल दिया है तेल, सरसों का तेल मैंने यहाँ पर लिया है, घर का हमारा सरसों का तेल है ये। और ये हमारे मसाले हैं, यहाँ पर मैंने पूरी मसालेदारी में जो भी पूरे मसाले हैं वो सब ले लिए हैं। चीनी ली है एक्स्ट्रा में मैंने, और सौंफ ली है। तो यहाँ पर हम पहले इसका मसाला तैयार करेंगे। कटोरी में हम डाल देना है धनिया, 2 चम्मच धनिया डाला मैंने, लाल मिर्च 2 चम्मच डाल लिए मैंने, स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, हल्दी डाल दी मैंने यहाँ पर। यहाँ पर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया पहले अच्छे से, आपको चम्मच भर के जीरा डालना है। इसके बाद में इसमें हम थोड़ी सी सौंफ डाल देंगे और हींग डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने सौंफ, हींग और जीरा तीनों डाल दिया है। सबसे ज़्यादा मसाला ये जो होता है, ये सूखा मसाला ही होता है जो उसमें पूरे मसाला लेकर आता है। अब हमने जो मसाला बनाया था उसमें हमने पानी डाल दिया, और उसको मसाला बना के इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इसका अच्छे से मसाला बना लिया हमने, अब इसको पकाएंगे हम। इसको पकने देंगे, जब हमारे उबाल आ जाए मसाले में, तो हम इसमें चीनी डाल देंगे, क्योंकि ये कैरी की लौंजी है, तो यहाँ पर चीनी डालना या गुड़ डालना बहुत ज़रूरी है, खट्टी मीठी बनती है। अगर आपके पास में गुड़ हो तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं, मेरे पास गुड़ अवेलेबल नहीं था इस वक्त, तो मैंने चीनी डाली है, मोस्टली लोग चीनी डालते हैं। अब ये देखिए, चीनी डालने के बाद में इसको अच्छे से उबाल लेना है आपको, बहुत बिल्कुल पतला भी नहीं करा, देखो मैंने इसको नॉर्मल रखा है, आधा कप पानी लिया था लगभग, बाकी चीनी ने थोड़ा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार आप नमक डाल लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए, तेल मसाला सब कुछ ऊपर आ चुका है, यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से मसाला पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे कैरी, और जो हमने अजवाइन जो हमने ये उबाली है, क्या नाम है इसका, दाना मेथी, वो डाल देंगे साथ में। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कैरी की लौंजी बनकर तैयार हो चुकी है। 5 मिनट हमें इसको उसके साथ में उबालना है, और रोटी के साथ में, पराठे के साथ में इसको सर्व कीजिएगा। खट्टी मीठी चटनी बहुत